नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, प्रयास सामाजिक मंच से यश भारती ने बताया कि सीबीएसई आईसीएसई मान्यता प्राप्त विद्यालयों में किताबें, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, शुल्क एवं अन्य समस्याओं को लेकर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शासकीय अस्पताल में अपना इलाज कराया, उस इलाज के दौरान जिस तरीके से शासकीय अस्पताल हमीदिया की देखरेख एक ही दिन में सुचारू हो गई, उसी प्रकार हर सरकारी विभाग के ऑफिसर या कर्मचारी के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ना चाहिए ताकि सभी अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में भेज सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस ली जाती है और जिला प्रशासन का इस ओर मौन समर्थन यह लगता है कि खुली लूट का समर्थन है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से परिवहन विभाग के किसी कर्मचारी ने स्कूल बसों की जांच नहीं की। आज जब बच्चे स्कूल जाने के लिए बसों पर चढ़ते हैं तो उन्हें रोककर बसों की जांच की जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं कि सबको शिक्षा एक समान मिले और शासकीय व्यवस्था में शासकीय लोग आए तभी आम जन का उस व्यवस्था पर विश्वास रहेगा। जैसे कि अभी उदाहरण मुख्यमंत्री जी ने दिया कि जब एक दिन के लिए सरकारी अस्पताल में गए तो उस एक दिन के लिए उस अस्पताल की व्यवस्था सुचारू हो गई। तो हमारी मांग लगातार इसी तरीके की, शासकीय स्कूल जितने भी हैं, शासकीय अस्पताल और अन्य जो व्यवस्थाएँ हैं उनमें सबसे पहले शासकीय लोग आएँ। जब तक ये शासकीय व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो निजी हाथों में जो व्यवस्थाएँ हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है। हर साल मार्च में जब नया सत्र शुरू होता है तो किताबों को लेकर के बात होती है, यूनिफॉर्म को लेकर बात होती है, शैक्षणिक शुल्कों को लेकर के बात होती है, यातायात व्यवस्था को लेकर बात होती है, लेकिन निजी स्कूलों द्वारा मनमाफिक फीस ली जाती है और मनमानी की जाती है और जिला प्रशासन का इस ओर मौन समर्थन, ये लगता है कि इस लूट, खुली लूट को मौन समर्थन जिला प्रशासन दे रहा है। इस वर्ष संभाग आयोग श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव जी द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक उस कमेटी को काम करना था और 20 अप्रैल को उस कमेटी को रिपोर्ट देनी थी संभाग आयुक्त को, लेकिन 23 अप्रैल को जाकर के हम लोग उनसे मिले थे, तब तक उनके पास रिपोर्ट नहीं आई। लगातार हम 3 महीने से उनसे फॉलोअप ले रहे हैं कि उस रिपोर्ट का आखिर हुआ क्या, किन स्कूलों में जाके निरीक्षण हुए, क्या कमियां पाई गई, क्या आपने उनको दंडित किया उन प्राइवेट स्कूलों को, या क्या मार्गदर्शित किया कि आगे वो गलतियां ना हों। लेकिन लगातार बात करने के बाद भी श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव जी संभागायुक्त द्वारा या किसी भी शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा कोई जिम्मेदारक पूर्वक काम नहीं किया जा रहा है, समय नहीं दिया जा रहा और ना जमीन पर कोई ऐसी हकीकत दिख रही है। आज यातायात व्यवस्था की स्थिति ये है स्कूल के बच्चों के, उनको सुबह स्कूल में जाते वक्त रोक दिया जाता है, तब गाड़ियां चेक की जाती है। ये 3 महीने पहले क्यों नहीं काम हुआ, आज बच्चों को परेशान किया जा रहा है, पालकों को परेशान किया जा रहा है केवल दिखावी काम के लिए। एक स्थायी समाधान चाहता है प्रयास सामाजिक मंच और एक स्थायी समिति चाहता है जिससे कि हर बार किसी भी पालक को कोई दिक्कत हो तो वो खुल के उस शिकायत को कर सके और जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई कर सके। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।